गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। बाकी भी आ जाए जल्दी से, करें स्टार्ट फिर। तो करें स्टार्ट बेटा अपन। वो होता क्या है कि एक सी है ना, सारी कोई डाउट है बेटा अभी तक की क्लास में किसी भी बच्चे को? नो सर। करें स्टार्ट। कल कहां तक हो गया था? सर ये मल्टी लेवल फीडबैक क्यू कराया था सर लास्ट में। हो गया था। अच्छा, वो एक क्वेश्चन लिख लीजिए जब तक और बच्चे भी ज्वाइन हो जाते हैं। कंसीडर ए सिस्टम यूजिंग
मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम the process require 38.8 second of CPU time if the time quantum ओ फर्स्ट क्यू सर आपकी आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही आ रही है सर आ रही है बेटा आ रही है आ रही है इफ द टाइम क्वांटम ऑफ फर्स्ट क्यू रितिका भी स्टार्ट किया बेटा कुछ स्क्रीनशॉट नहीं लेना है अभी कराया है मैंने जस्ट स्टार्ट इफ द टाइम क्वांटम ऑफ फर्स्ट क्यू फर्स्ट रेडी क्यू इज 2 seconds and at each level the time quantum increase by 5 time units. Sir, आवाज आ रही है sir? Yes. कौन कुछ नहीं मेरी आवाज नहीं आ रही थी सर अभी मैंने कनेक्ट अच्छा 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 5 time minutes देन हाउ मेनी टाइम्स द प्रोसेस विल बी इंटरप्ट process will be interrupted and on what queue the process will terminate the execution इंक्रीज बाई 5 time units मीन्स फर्स्ट लेवल पे रेडी क्यू में टाइम कितना है 2 है नेक्स्ट में कितना आ जाएगा 7 समझ रहे हो ईच एंड एवरी वन प्लीज नोट डाउन गिव द आंसर बेटा गिव द आंसर सर इससे पहले कुछ दिखाया था नहीं बेटा क्या कह रहे हो बेटा क्या आंसर आएगा ये कोमा है ना
कितना आ रहा है बेटा? दो इधर चल गया, सात इधर हो गया, 39 में से दो गया, 37 कितना बचा? 30 में से कितना बचा ये? 18, हाँ या ना? Each and every one, are you getting? Yes, sir. तो एक दो तीन चार बार प्रोसेस इंटरप्ट हो रही है, एक दो तीन चार और पांच, पांचवे रेडी क्यू में जाके ये, समझ रहे हो बात? Yes, sir. क्लियर है? Yes. 39 नहीं था ना, 38 था, 38 है तो फिर चार में खत्म हो जाएगी, इसको 39 कर लेता हूं मैं, 38 की जगह 39 कर देता हूं बेटा, है ना? क्लियर है? Yes, sir. मुझे पता है आपका आंसर सही था बेटा भूपेंद्र, 38 है तो आपका ये चार में खत्म हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3 और 4. ओके बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये कुछ Yes, नहीं sir. है, वार्म अप क्वेश्चन दिया है मैंने, क्या आपको बता रखा है कि मल्टी लेवल फीडबैक की शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, 39 सेकंड टोटल सीपीयू टाइम है, फर्स्ट लेवल पे टाइम क्वांटम कितना है? 2, और हर लेवल पे 5 से इंक्रीज हो रहा है, पहले पे 2, फिर 7, फिर 12, फिर 17, फिर 22, फिर 27. तो कह रहा है कि भाई ये प्रोसेस जब 39 सेकंड लग रही है वो कितनी बार तो इंटरप्ट होगी और कौन से वाले रेडी क्यू में टर्मिनेट हो जाएगी. तो देखो पहले वाली 2, 37 बचा, फिर 7, फिर 30 बचा, फिर 30 में से 12 गया तो 18, 17 गया, 1 बचा, तो 1 2 3 4, 4 बार तो आपकी क्या हो रही है, प्रोसेस इंटरप्ट हो रही है, और पांचवे वाले रेडी क्यू में ये फिनिश हो रही है. समझ में आ गई बात? यस सर. यस सर. ईच एंड एवरी वन क्लियर? सर. आगे बढ़े? यस सर. देखिए एल्गोरिदम और कौन सी एल्गोरिदम में स्टार्वेशन होता है, फर्स्ट FCFS, SJF नॉन प्रीएम्प्टिव, SRTF राउंड रॉबिन, LJF नॉन प्रीएम्प्टिव, LJF प्रिमिटिव या LRTF, प्रायोरिटी नॉन प्रीएम्प्टिव, प्रायोरिटी प्रिमिटिव, HRRN, मल्टी लेवल क्यू, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू. समझ रहे हो बात? यस या नो? तो देखो FCFS में स्टार्वेशन होता है क्या? नहीं होता. शॉर्टेज जो फर्स्ट में होता है, स्टार्वेशन का मतलब भूखा रखना, आप आए आपको चलाने नहीं दिया क्योंकि आपका टाइम बड़ा था, शॉर्टेस्ट को चला रहे. राउंड रॉबिन में नहीं होता. LJF में स्टार्वेशन होता है? यस होता है. प्रायोरिटी नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव में? HRRN में नहीं होता है. मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में भी नहीं होता है. और इसमें यस भी और नो भी. क्यों? बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं ना, इसलिए. सब बच्चों को समझ में आया? सर. क्या? सुनिएगा बच्चों, FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. क्या बेटा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर, जो प्रोसेस पहले आई है वो पहले शेड्यूल होगी, उसमें स्टार्वेशन नहीं होता, फेयर काम है एकदम. FCFS इज ए फेयर एल्गोरिदम. SJF स्टार्वेशन इसमें होता है,
आप मना नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज मान लीजिए P1 आई, उसको टाइम लग रहा है सबसे ज्यादा, P2 को कम, P3 को उससे कम, तो अपन P1 को नहीं चलाएंगे, चाहे वो प्रीएम्प्टिव हो चाहे नॉन प्रीएम्प्टिव हो। राउंड रॉबिन में स्टार्वेशन नहीं होता, क्यों नहीं होता? बिकॉज टाइम क्वांटम के बिहाफ पे चलाते हैं अपन, टाइम क्वांटम के बिहाफ पे चलाते हैं। LJF चाहे वो नॉन प्रीएम्प्टिव हो चाहे वो प्रीएम्प्टिव हो, उसमें स्टार्वेशन होता है। प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी लो है, चाहे वो सबसे पहले क्यों ना आया हो, नहीं चलाएंगे, हाईएस्ट वाले को पहले चलाएंगे, चाहे वो नॉन प्रीएम्प्टिव चाहे प्रीएम्प्टिव हो। HRRN में स्टार्वेशन नहीं होता है, क्योंकि अपन रेस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट इस भी आप पे करते हैं कि कौन आ रहा है और कितना उसका बस टाइम है, उस हिसाब से काम करते हैं अपन, ठीक है। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में स्टार्वेशन होता है वैसे, लेकिन कई जगह आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप अलग अलग रेडी क्यू में अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज कर सकते हो, तो अगर आपने किसी पर राउंड रोबिन की है तो उसमें स्टार्वेशन तो नहीं मिलेगा। फीडबैक क्यू में तो स्टार्वेशन होता ही नहीं है, क्लियर है? आपसे ये दो तो पूछे भी नहीं जाते हैं, मेनली इनों का खेला चलता है। सभी को क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। उतार लीजिए जल्दी से। किया बेटा? यस सर। नोटेड? यस सर। नेक्स्ट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सिंक्रोनाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, प्लीज टेल मी। बताइए बच्चों। इट इज ए मैकेनिज्म। एक्चुअल में सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? तालमेल। क्या? तालमेल, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, अगर शॉर्टकट में बोले तो। वही अपन को सीखना है। अभी आप उतारते जाइए साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, डोंट वरी रहिए आप, बेफिक्र होके एक एक लाइन समझ में आएगी। ये बहुत ही ओएस की जान है ये, और मेरी भी जान है ये, बहुत फेवरेट टॉपिक है। इट इज ए मैकेनिज्म दैट कंट्रोल द ऑर्डर इन विच द प्रोसेस execute their statements. It is a mechanism that control the order in which the process execute their statements. आ रही बात समझ में? Yes, sir. And the process with respect to synchronization are categorized into two type, first cooperative process, independent process, cooperative process, and second one is independent process. Cooperative process का मतलब क्या होता है? जो
या तो किसी एक दूसरे प्रोसेस से इफेक्ट होती है, उस पे इफेक्ट डालती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. क्या द एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस इफेक्ट्स और इफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस, देन दोज टू प्रोसेस कोऑपरेटिव प्रोसेस, अदरवाइज दे आर सेमी इंडिपेंडेंट प्रोसेस. अदरवाइज दे आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट प्रोसेस माई डियर. Mean to say P1 effect, if the process P1 effect P2 or affected by P2, that is called cooperative process. Yes or no? Yes sir. और अगर effect नहीं डालती है तो वो क्या कहलाएगी बेटा? इंडिपेंडेंट प्रोसेस. यहां तक उतार लो पहले एक बार जल्दी से, फिर स्टार्ट करता हूं अपना कार्यक्रम. थोड़ा सा ऊपर कर देना. यस बच्चों, हो गया सर? हो गया. सो नीचे सर ये मीटिंग रिकॉर्ड होती है सर. इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकती हम लोगों को? मुझे आइडिया नहीं बेटा इसका. तो आप तो लाइव क्लास में पढ़ते हो, फिर काहे की रिकॉर्डिंग की जरूरत है आपको? अगर कभी जरूरत पड़ी तो एक आध जो लेक्चर लगता है कि फिर से देखना चाहिए थोड़ा और एक बार क्लियर करने के लिए तो कभी. भाई इसका आइडिया मेरे को नहीं है, सॉरी. यस सर. मेरा काम है ओनली पढ़ाना, मैं अपना पढ़ा देता हूँ. रिकॉर्ड होती है नहीं होती है? शायद रिकॉर्ड तो होती है सर. आप पोस्ट आप रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दिया करो सर, हम रिकॉर्ड कर लेंगे. तो परमिशन तो दे रखी है ना, होती है. बाय डिफॉल्ट रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या इसमें सर? बाय डिफॉल्ट रिकॉर्डिंग तो उन लोग के पास होती है, अपनी तरफ से नहीं कर पाते. ओके तो वो कैसे होता है इसमें? आस्क टू होस्ट टू गिव योर परमिशन टू रिकॉर्ड जब हम अप्लाई कर रहे हैं रिकॉर्डिंग. ये परमिशन परमिशन तो उन्होंने वहां से सेट कर रखा है. मुझे भी नहीं पता भाई. पहले तो मैं होस्ट, वो भी क्या हुआ, होस्ट बनाने का वेट करते थे अपन,
कई बार जैसे मान लीजिए सामाजिक प्राणी है भाई, कहीं इधर उधर फंस गए तो अपन वेट ही करते रह जाते थे कि 10 मिनट हो गए, होस्ट नहीं बने अभी तक, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही थी, इसलिए बस इतना उन्होंने मेरे को होस्ट आईडी दे दी थी बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी लेना देना मैं तो खोलता भी नहीं हूँ उसको, अपना क्लास लॉगिन के टाइम पे खोलता हूँ, उससे 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले बस। यहाँ तक किया सबने? यस सर। अब देखो इस चीज को मैं अभी समझाऊंगा। अभी प्रोड्यूसर रजिस्टर वन में काउंटर शॉर्टकट में भी लिख सकते हो आप, रजिस्टर वन इनिशियली काउंटर कितना है 5, कितना है बच्चों 5, क्लियर? यस सर। यस सर। कीजिए बच्चों। ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है। आप इसकी कैलकुलेशन करके बताइए। पहले आप दोनों को सिक्वेंशियली चलाइए, फिर कंकरेंट चलाइए। मैं 5 मिनट दे रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप चलाए, ठीक है? पहले आप प्रोड्यूसर कंज्यूमर चलाइए सिक्वेंशियली। समझ रहे हो ये बात? अच्छा, अभी तक का क्लियर है या नहीं, राइट डाउन इन चैट बॉक्स। क्लियर है सभी को? यस सर। कीजिए बच्चों, बताइए आंसर।
क्या रहा आंसर? यस बेटा क्या आंसर आ रहा है बताइए। देखो पहले आप दोनों को सिक्वेंशियली चलाइए, प्रोड्यूसर देन कंज्यूमर या कंज्यूमर देन प्रोड्यूसर, समझ रहे हो बात? यस सर। सिक्वेंशियली चलाइए, क्या आएगा आपका आंसर प्लीज? कितना आ रहा है? 46 आ रहा है। 46 क्या यार, 5 आ रहा है। यस या नो? लिसन 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 लिसन, पुट योर पेन डाउन। सबसे पहले मैंने लाइन नंबर 1 चलाई, मींस प्रोड्यूसर देन कंज्यूमर। तो देखो काउंटर का वैल्यू फॉर रजिस्टर 1 में गया, 6 हुआ, काउंटर कितना हो गया? 6। काउंटर का वैल्यू रजिस्टर 2 में आया, 5 हुआ, काउंटर कितना हो गया? 5। क्लियर? यानी पहले 6 फिर 5, पहले 6 फिर 5, या पहले कंज्यूमर चलाया मैंने, काउंटर का वैल्यू कितना था? 5 माइनस 1 4 4। अब यहां कितना है? 4 4 प्लस 1 5, समझ रहे हो? यस सर। मेन टू से पहले 4 हुआ फिर 5 हुआ, कहने का मतलब है व्हेन वी अलाउ बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सिक्वेंशियली देन वी आर गेटिंग द करेक्ट रिजल्ट। अरे हाँ या ना? यस सर। आप कंकरेंट कैसे चला सकते हो? कंकरेंट कैसे चला सकते हो बेटा? देखिए एक लाइन इसकी, यस या नो? यस सर। कहने का मतलब या तो 3C होगा या C3 होगा। तो जब पहली लाइन चलाओगे, सुनिएगा हर बच्चा, पेन कॉपी रख दीजिएगा, देखो क्या माजरा है, क्या पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं। अभी स्क्रिप्ट क्लियर होगी जब ही, समझ में आएगा, मजा जब ही आएगा। देखो बच्चों क्या हो रहा है, लाइन नंबर फर्स्ट चलने पे रजिस्टर 1 में कितना? 5। ए चलने पे रजिस्टर 2 में कितना? 5। सेकंड चलने पे रजिस्टर 1 में 6, यहां रजिस्टर 2 में 4। थर्ड चलने में काउंटर कितना आ जाएगा बोलो? 6। और सी चलने पे काउंटर कितना हो जाएगा? 4। यानी फाइनल आंसर 4। ये चलाओ रजिस्टर 2 में कितना? 5। रजिस्टर 1 में 5, 2 में 4, 1 में 6,
सी में काउंटर फोर फोर और थ्री में काउंटर सिक्स सिक्स व्हेन वी अलाउ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टू एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली व्हेन वी अलाउ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टू एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली वी आर नॉट गेटिंग द करेक्ट रिजल्ट वी आर नॉट गेटिंग द करेक्ट रिजल्ट आर यू गेटिंग माय पॉइंट यस सर This is called yes, race sir. condition. This is called race condition. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. कहने का मतलब क्या है? जब अपन ने sequential चलाया, then we are getting the correct result. Yes या no? Yes, sir. अरे, when execute sequentially ना? Then we are getting correct result. Clear? Yes, sir. Yes, sir. But when we execute producer and consumer concurrently, yeah, simultaneously, then we are not getting the correct result. Clear, beta? Yes, sir. अरे हाँ या ना सबको समझ में आया स्क्रिप्ट क्या है कि भाई sequential चला रहे हैं तो अपना सही रिजल्ट आ रहा है ठीक है लेकिन कंकरेंट चलाने पे अपना सही रिजल्ट नहीं आ रहा लेकिन अपन चलाएंगे कैसे कंकरेंटी चलाएंगे कैसे चलाएंगे कंकरेंटी चलाएंगे क्यों चलाएंगे बिकॉज क्यों चलाएंगे बताइए एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए यस बिकॉज कंकरेंट चलाने से ही अपना एफिशिएंसी थ्रोपुट यूटिलाइजेशन ये सब चीजें इंक्रीज होगी लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा यही अपन को ध्यान में रखना है वही डीबीएमएस की जैसी वाली बात है क्या जैसे सीक्वेंशियल चलाया सही में जैसे ही होगा बिल्कुल लेकिन इसमें कुछ अलग हाँ सीरियलाइजेबिलिटी जो पढ़ी थी ना अपन ने यस सर उसी टाइप की चीज है लेकिन यहाँ थोड़ा यस 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 लेकिन यहाँ थोड़ा अलग खेल चलेगा बट कंसेप्ट वही सिखाया मैंने कि अपन चलाएंगे क्यों कंकरेंट क्योंकि वी वॉन्ट मोर सीपी यूटिलाइजेशन समझ रहे हो यस सर तो इसीलिए इन चीजों को मैनेज करने के लिए अपन को सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म की जरूरत पड़ी जो आप पढ़ते हो म्यूटेक्स लॉग सीमाफोर प्रोड्यूसर को पीटरसन सॉल्यूशन स्ट्रिक्ट अल्टरेशन वो सारी चीजें बहुत मजेदार चीजें हैं पहले आप ये उतारे जल्दी सीख ईमानदारी से प्लीज सर नीचे का नोट सर थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही कर दी सिर्फ बाद में हो जाएगा उतारिए बेटा आराम से
कल्याण नोट यस सर आगे बढ़े यस सर कहने का मतलब है रेस कंडीशन क्या होती है आज सुबह वाले क्वेश्चन किए अभी तक नहीं किए कर लिए सर मैंने एक वो टेलीग्राम पे भी डाला है अच्छा ए सिचुएशन लाइक वेयर सेवरल प्रोसेस एक्सिस एंड मैनुपलेट द सेम डेटा कंकरेंटली एंड द आउटकम्स डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन outcomes depend on the order of execution is called race condition is called race condition clear hai beta sir yeah you can say in this manner The final output of any variable depends on the execution sequence of the processes. Clear? Yes, sir. This is called race condition. उतारिए जल्दी से फिर स्टार्ट करता हूं पूरा माजरा दोबारा से समझाना Yes, sir. देखो बच्चों क्या पिक्चर है पूरी समझिएगा हर बच्चा प्लीज एक तो कुछ बच्चे सुबह नहीं आए थे आप में से बेटा रेगुलर डेली प्रेजेंट रहे चाहे सुबह हो चाहे शाम थोड़ा सा उठने में मुझे पता है कष्ट होता है सर्दी है लेकिन बेटा आप क्या और बाकी भी तो उठ रहे हैं वो भी तो आपके साथ के ही है तो एक तो सुबह शाम 50 बच्चे आते थे पहले 10-15 तो अभी भी सो रहे होंगे तो भाई प्लीज हाँ अब भी आपने एक सेंटेंस बोला ना तो वो जमने लगा सुबह हो या शाम सब लोग विजय सर का नाम अरे ऐसा नहीं है कहने का मतलब है भाई आप मेहनत करो आप प्लीज सुबह शाम दोनों टाइम अटेंड करा करो आप ही का भला भाई मेरा क्या है इसमें देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तालमेल और कोई भी प्रोसेस दो टाइप की होती है या तो कोऑपरेटिव या इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब जो अपना जैसे सीरियल शेड्यूल कि पहले वो खत्म हो रहा है फिर दूसरा खत्म हो रहा है या लेना देना ही नहीं है दूसरे से एक प्रोसेस का दूसरे से लेना देना ही नहीं है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट प्रोसेस और दूसरी होती है कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है कि वन प्रोसेस या तो इफेक्ट होती है या दूसरे पे इफेक्ट डालती है दैट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेस आर यू गेटिंग माय पॉइंट अब जैसे ये देखो मेरा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हियर आई एम यूजिंग वन कॉमन वेरिएबल दैट इज कॉल्ड काउंटर दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन ये क्या होता है बताऊंगा अभी है ना तो आप देख रहे हो
इनिशियली काउंटर इज 5, ये गैल्विन का एग्जांपल है, पर थोड़ा अलग तरीके से। प्रोड्यूसर एक जना एक कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, लेट सपोज इस मार्कर के कार्टन है, पेन के कार्टन है ना, बॉक्सेस है, प्रोड्यूस कर रहा है इंक्रीमेंट बाई वन, प्रोड्यूस एंड इंक्रीमेंट बाई वन, प्रोड्यूस एंड इंक्रीमेंट बाई वन, और कंज्यूमर कंज्यूम एंड डिक्रीमेंट बाई वन, कंज्यूम एंड डिक्रीमेंट बाई वन। क्लियर? यस सर। क्लियर एवरीवन? क्लियर? यस सर। यस सर। सुन लिसन बेटा, सो हियर व्हाट हैपन, आई एम इन इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंटर इज 5, सो आई विल इंक्रीमेंट, विल पुट दैट इनटू द रजिस्टर, इंक्रीमेंट बाय 1, तो व्हाट वी आर गेटिंग 6, देन कंज्यूमर कम डिक्रीमेंट बाय 1, वी आर गेटिंग 5। अरे वो मत भरो, कोई काम का नहीं है, वो मत भरो उसका। अरे आ रहा, रुक बेटा रुक। अरे गेट का वो तो आ रहा बस बस उसके कॉल। सुनिए, पहले जब मैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को सिक्वेंशियली चला रहा हूं, तो या तो मेरे को 5 आ रहा है, पांच आ रहा है, या तो 6 पहले प्रोड्यूसर आएगा तो 6 कर देगा, अरे 5 में से एक कार्टून और बढ़ा दिया 6 कर दिया, कंज्यूमर ने एक का डिक्रीमेंट कर दिया तो 5 कर दिया, या पहले कंज्यूमर आया तो 4 कर दिया और फिर प्रोड्यूसर ने 5 कर दिया है। समझ रहे हो बात? जब मैंने दोनों को सिक्वेंशियली चलाया तो मेरा 5 आंसर आ रहा है, लेकिन जैसे मैं दोनों को कंकरेंट चला रहा हूं, जैसे मैं दोनों को कंकरेंट चला रहा हूं, तो वी आर गेटिंग आइदर 4 और वी आर गेटिंग आइदर 6, या तो 4 आ रहा है या 6 आ रहा है। समझ रहे हो बात? जी सर। यानी वी आर नॉट गेटिंग द करेक्ट रिजल्ट, और 4 और 6 किस बिहाफ पे आ रहा है, जिस ऑर्डर में एक्सिस हो रहे हैं उस बिहाफ पे, दैट इज कॉल्ड रेस कंडीशन, दैट इज कॉल्ड रेस कंडीशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस सर। समझ में आ रहा है क्या? Where several process want to access and manipulate the same data concurrently and the output depend on order of execution. Race लगी हुई है, जिस order में चलोगे उस तरीके से output print होगा। समझ रहे हो बात? तो the final output of any variable depend on the order of execution sequence. This is called race condition. This is called race condition. समझ में आ गया बेटा? अरे हाँ या ना? यस सर। क्लियर है सभी बच्चों को? प्लीज टेल मी इन चैट बॉक्स। सर यस, अब भी वो कॉल आया था तो आपको साउंड आ रहा था क्या? हाँ, अपन म्यूट पे थे बेटा। देखिए, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ क्रिटिकल सेक्शन। क्या बेटा? क्रिटिकल सेक्शन। सुनिएगा बच्चों, पेन कॉपी रख दीजिए पहले, उसके बाद मैं आपको सिखाता हूं। सुनिएगा बेटा, क्या कहते हैं, हर बच्चा समझे ना, क्या ये पता है क्यों आ रही है चीजें? क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? वो एरिया, वो गली, वो मोहल्ला जहां सारे कॉमन कोड या शेयर्ड वेरिएबल रखे जाते हैं। जैसे कोई बात नहीं आ रहा हूं, जैसे क्या, हिधर काउंटर एक कॉमन वेरिएबल है, शेयर्ड वेरिएबल है, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर यूज कर रहा है, और जिस हिसाब से यूज करेगा उस हिसाब से आउटपुट आएगा, दैट इज कॉल्ड रेस कंडीशन। बट ये क्या कहलाएगा? क्रिटिकल सेक्शन, मींस द पोर्शन और एरिया वेयर द शेयर्ड वेरिएबल या शेयर्ड रिसोर्स ऑफ द प्रोसेस विल बी प्लेस्ड। शेयर्ड वेरिएबल और शेयर्ड रिसोर्स ऑफ द प्रोसेसेस विल बी प्लेस्ड। क्लियर? समझ रहे हो बात? Yes या no? Yes sir. Yes sir. अब सुनिए, किसी भी प्रोसेस के अलग अलग टाइप के सेक्शन होते हैं। एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले, यानी क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन हो गया जहां कॉमन वेरिएबल या शेयर्ड रिसोर्स पड़ी हुई है, उसमें जाने से पहले एंट्री सेक्शन हो गया, उसके बाद बाहर आने के लिए एग्जिट सेक्शन, ये सिक्वेंस रहता है, अभी उतारना मत बेटा, और बाकी रिमाइंडर सेक्शन। रिमाइंडर सेक्शन अभी उतारना मत, दोबारा इरेज करूंगा इसको तो मैं, ये नॉन क्रिटिकल सेक्शन, रिमाइंडर सेक्शन या नॉन क्रिटिकल सेक्शन। क्लियर? यस सर। यस सर। नाउ लिसन ईच एंड एवरीवन, लिसन
रिमाइंडर सेक्शन या नॉन क्रिटिकल सेक्शन। क्लियर? अब सुनिए, इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आप अपनी लैब में जाते हो, हाँ बोलो। हाँ सर। यस सर। 10 कंप्यूटर है और एक प्रिंटर है, 10 कंप्यूटर है और एक प्रिंटर है, समझ रहे हो मेरी बात? 10 कंप्यूटर से एक प्रिंटर कनेक्ट है, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल सेक्शन कि इज ए सेक्शन वेयर शेयर्ड वेरिएबल या शेयर्ड रिसोर्स हैज टू बी प्रोसेस या एन नंबर ऑफ प्रोसेस वांट टू एक्सेस एंड अपडेट एंड यूज द सेम टाइम। लाइक हियर काउंटर इज ऑल्सो शेयर्ड वेरिएबल या क्रिटिकल सेक्शन विच इज यूज बाय द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एट ए सेम टाइम। क्लियर है बेटा? अरे हाँ या ना? यस सर। सर सब बच्चों को समझ में आया ये क्रिटिकल सेक्शन का कंसेप्ट? यस सर। और ये तीन रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेट। सुन रखा होगा आपने नाम वैसे तो। अरे हाँ या ना? यस सर। अब देखें क्रिटिकल सेक्शन, the portion of program or text where shared variable or shared resource or shared data will be placed. Clear hai bachcho? Yes sir. Yeah. Critical section in which several process may access common variable या शेयर्ड वेरिएबल, अपडेटिंग एंड सो ऑन। यस या नो? यस सर। जैसे एग्जांपल वो काउंट वाला था, काउंटर था ना, क्या हो रहा था? काउंटर में प्लस वन भी हो रहा था और माइनस वन भी हो रहा था, पर एग्जांपल मत लिखे अभी इधर। यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। दूसरा होता है नॉन क्रिटिकल सेक्शन, नॉन क्रिटिकल सेक्शन का मतलब होता है द पोर्शन ऑफ प्रोग्राम या टेक्स्ट वेयर इंडिपेंडेंट कोड ऑफ द प्रोसेसेस will be placed. समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. Then process will have different sections. यू में ना लिखे, देखें क्या रहता है सीक्वेंस। हर बच्चा पेन कॉपी रख दीजिए, सब बच्चे देखिए मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। देखो आपको स्क्रिप्ट क्लियर है, स्क्रिप्ट वही है, 10 कंप्यूटर है, एक प्रिंटर है, तो यहां जो प्रिंटर है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन दैट इज यूज्ड बाय द सेवरल प्रोसेस सेवरल रिसोर्स एट द सेम टाइम। ओके? और बाकी आप अपना जो काम कर रहे हो लैपटॉप पे कंप्यूटर पे दैट इज नॉन क्रिटिकल सेक्शन या रिमाइंडर सेक्शन या रिमाइंडर सेक्शन, यानी जहां नॉन शेयरेबल डेटा या इंडिपेंडेंट कोड पड़ा है। तो जनरली सीक्वेंस क्या रहता है यूज करने का, सबसे पहले अपन क्या करते हैं एंट्री सेक्शन में जाते हैं। कहां जाते हैं बेटा? एंट्री सेक्शन में। उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन, देन एग्जिट सेक्शन एंड रिमाइंडर या नॉन क्रिटिकल सेक्शन।
समझ रहे हो बच्चों? यस। एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन, रिमाइंडर या नॉन क्रिटिकल सेक्शन, समझ रहे हो? यस सर। दो, टू और मोर प्रोसेस, प्रेजेंट इन एंट्री, एग्जिट और रिमाइंडर सेक्शन बट नॉट इन क्रिटिकल सेक्शन, नॉट इन क्रिटिकल सेक्शन। समझ में आ गई बात? यस सर। क्लियर? यस सर। ईच एंड एवरीवन क्लियर? यस सर। तो सुनिए अब, यानी अपना काम सही कैसे हो, जैसे 10 कंप्यूटर है एक प्रिंटर है तो अपन क्या कैसे काम हो, तो सुनिएगा बेटा, पेन कॉपी रख दीजिएगा। कंडीशन टू बी फॉलोड, टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन, टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन, तीन कंडीशन होती है बेटा। सुना नाम आप लोगों ने? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेट। समझना बेटा क्या कह रहा हूं मैं, क्रिटिकल सेक्शन एक तरह से प्रॉब्लम ही तो है जिसमें एन नंबर ऑफ प्रोसेस एट ए सेम टाइम यूज करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? समझना बेटा कि कंडीशन कौन कौन सी कंडीशन या सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, सीएसपी यानी क्रिटिकल सेक्शन, मस्ट सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट या कंडीशन। पहली म्यूचुअल एक्सक्लूजन, आप लोगों ने बीटेक में पढ़ रखी है ये चीजें। यस सर। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोलता है? यार साथ दो प्लीज। अगर एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है तो दूसरी प्रोसेस वेट करेगी। वेरी गुड। म्यूचुअल एक्सक्लूजन वही है जैसे अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्या जब मैं बोल रहा हूँ तो आप चुप हो, आप बोल रहे हो तो मैं चुप हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन है क्या, ओनली वन प्रोसेस प्रेजेंट इन द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ओनली वन प्रोसेस प्रेजेंट इन द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्लियर एवरीवन? मीन्स इफ प्रोसेस P1 इज, आप देखो ना यार, 10 कंप्यूटर ने एक साथ प्रिंट कमांड दिया और 10ों की अलग अलग प्रोजेक्ट है, 10ों की अलग अलग प्रोजेक्ट है, 20-20 पेज, तो सबने एक साथ प्रिंट कमांड दिया, अब वो भी एक साथ तो आप दे नहीं सकते। आपने मान लीजिए सबने टाइमर लगा दिया रोबोट की हेल्प से, मशीन लर्निंग की हेल्प से, एक सेम टाइम पे सबने प्रिंट कमांड दिया, एक प्रिंटर है 10 कंप्यूटर है, तो क्या कभी ऐसा होता है कि एक पेज आपका आ गया, एक उसका, एक इसका, एक इसका, किसी एक के आएंगे वो पूरे के पूरे पेज आएंगे? अरे हाँ या ना? यस सर। ऐसा होता है ना, ये थोड़ी है कि एक पेज इस पेज स्टूडेंट नंबर रोल नंबर 1 का आ गया, एक 20 वाले का आ गया, एक 15 वाले का आ गया, एक 5 वाले का, 6 वाले का आ गया, ऐसा नहीं होता है, किसी एक का आएगा और पूरा का पूरा आएगा। अरे हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन यही बोलता है क्या, ओनली वन प्रोसेस प्रेजेंट इन क्रिटिकल सेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मींस इफ वन नो टू प्रोसेस। चलो यहां तक आपको समझ में आया कि, पहले तो ये बताओ यहां तक समझ में आ गया माजरा पूरा? यस सर। यस सर। कहां से उतारना बाकी है पहले तो ये बताओ आप, यहां से क्रिटिकल सेक्शन उतारो पहले, फिर ये तो ज्यादा ऊपर जाएगा, उतारिए।
सर नीचे सर ज्यादा नीचे हो गया कर लिया यहाँ तक हो गया सर डन सर डन उतार लिया है यस सर आगे बढ़े यस सर सुनिएगा बच्चों ये क्या बताया मैंने भी आपको कि तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोग्रेस एंड थर्ड वन इज बाउंडेड वेट म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोलता है सुनिएगा बच्चों ये अपन किस लिए चाहते हैं देखो टॉपिक का नाम देखे कंडीशन टू बी फॉलोड टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन माय डियर सिंक्रोनाइजेशन बना रहे तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी चाहिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेट क्या बेटा म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेट म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोलता है कि एक क्रिटिकल सेक्शन में एट ए टाइम मैक्सिमम एक प्रोसेस रह सकती है यानी एक मयान में एक तलवारी रह सकती है बेटा प्रोग्रेस क्या बोलता है कि जब एक प्रोसेस अगर दूसरी बार भी क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाहती है देखो आप प्रिंटर के रेस्पेक्ट में ये सारी चीजें समझो आपको समझ में आएगा क्या प्रिंटर इज द बेस्ट एग्जांपल लाइव एग्जांपल ऑफ द सीमाफोर इंप्लीमेंटेशन यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस मैनर क्या 10 कंप्यूटर है एक प्रिंटर है दैट इज द क्रिटिकल सेक्शन अब सुने एक बार में एक ही जना प्रिंटर यूज कर सकता है 10 में से तो दैट इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन और अगर कोई एक जना दूसरी बार भी जाना चाहता है प्रोग्रेस करना चाहता है तो कोई उसको रोकने वाला नहीं होना चाहिए थर्ड बाउंडेड वेट कि वेटिंग टाइम जो है वो आपका बाउंडेड होना चाहिए क्लियर वेटिंग टाइम जो है आपका बाउंडेड होना चाहिए समझ रहे हो बात सर क्लियर है सर अब देखिए बेटा प्लीज पहला मैं आपको लिखा रहा हूं म्यूचुअल एक्सक्लूजन No two process may be simultaneously present
inside the critical section at any point of time. At any point of time. Clear? Yes, sir. Second, yeah, you can say only one process. Should present in the critical section at any point of time. Only one process should be present in critical section at any point of time. Clear? Yes, sir. समझ रहे हो बच्चों, चीज समझ में आ रही है? कहने का मतलब है इफ प्रोसेस पीआई एग्जीक्यूटिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन देन नो अदर प्रोसेस can be execute in the critical section. समझ रहे हो बच्चों? समझ में आया? कहने का मतलब है 100 बात की एक बात, एक मैन में एक तलवार रहेगी. Means only one process present in the critical section at any point of time. That is the meaning of mutual exclusion. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Second one is progress. Second one is progress. नहीं उतारा, उतार लीजिए. कर लिया? नोटेड. नेक्स्ट प्रोग्रेस. प्रोग्रेस का मतलब क्या है बेटा, समझना मेरी बात. कि मान लीजिए आप दूसरी बार प्रिंटर यूज करना चाहते हो, यानी मान लीजिए आपको 3 लैब रिपोर्ट की फाइल बनानी है. फाइनल ईयर है आपका, 3 लैब रिपोर्ट की फाइल बनानी है. एक बार प्रिंटर यूज कर लिया, आपकी प्रोग्रेस कब होगी? जब आप दूसरी लैब रिपोर्ट का भी प्रिंट आउट लेने जाओ तो कोई आपको रोकने वाला नहीं होना चाहिए. कोई आपको रोकने वाला नहीं होना चाहिए. आ रही बात समझ में? सिंपल सी बात. इसको अपन बकायदा न्यूमेरिकली चेक भी करेंगे, डोंट वरी रहे. नो प्रोसेस रनिंग आउटसाइड द सीएस. शुड ब्लॉक द other interested process from entering into critical section. समझ में आ रही है बात बेटा? Sir. When CS is free. Galvin की definition भी है लेकिन वो मैं लिखाना नहीं चाहता, उसका रीजन है. गैल्विन में तो पता क्या बोल रखा है, व्हेन नो प्रोसेस इन क्रिटिकल सेक्शन, कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, एंड सम प्रोसेस वांट्स टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, देन ओनली दोज प्रोसेस व्हिच आर नॉट एग्जीक्यूटिंग देयर रिमाइंडर सेक्शन कैन पार्टिसिपेट इन डिसाइडिंग व्हिच विल एंटर नेक्स्ट. बट वो लिखना नहीं है अभी अपन को, अपन को सीखने के हिसाब से पढ़ना है, यानी चेक करना है प्रोग्रेस कैसे होती है, वो इसी हिसाब से बताऊंगा मैं. मान लीजिए सीएस अभी फ्री है, P1 जाना चाहता है, तो कोई अदर प्रोसेस P2, ये दोनों आउटसाइड द सीएस है ना,
उसको रोकने वाला नहीं होना चाहिए। उतारिए प्लीज। सर नोट दिखा दीजिए लास्ट वाला। यस सर। सर थोड़ा सा ऊपर। ओके सर हो गया। सर सर आप म्यूट हैं। हाँ बेटा क्या दिक्कत है, ऐसे म्यूट कर लेता हूँ। आप बोल रहे होंगे कुछ। ना ना, ना 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 मुझे पता रहता है मैं म्यूट नहीं हूँ, इसमें लाइट रह जाती है। अरे पीछे के मेरे बच्चे हॉल में आवाज करते हैं ना, तो मैं इसलिए थोड़ा सा म्यूट कर देता हूँ कि आपको हालांकि आवाज बहुत रेयर आएगी, बहुत रेयर, लेकिन फिर भी डिस्टर्ब ना हो। आप उतारे हो और पढ़ रहे हो इस कारण मैं म्यूट कर देता हूँ। देखो बाउंडेड वेट में भी उतारना नहीं चाहता, समझाना नहीं चाहता था, पहले उतारना चाहता था, पर आपने रोक दिया है, जगा दिया है, तो अब सुने। जगाने का मतलब कि हाँ भाई अनम्यूट कर दिया है, मैं सोता नहीं हूँ भाई, सुबह और रात को सो लेता हूँ, बहुत है। देखिए क्या कह रहा हूँ, बाउंडेड वेट, नाम से ही भावना क्लियर हो रही है कि वेटिंग टाइम है जो बाउंडेड होना चाहिए। ये नहीं कि 10 में से 8 प्रोसेस तो 20-20 बार जाएगी, 9वीं और 10वीं का एक बार भी टर्न नहीं आया, समझ रहे हो। और आप पूछ रहे हो सर मेरा नंबर कब आएगा, मैं बोला आएगा बेटा आएगा आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो बात, क्लियर है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए बाउंड और लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टाइम या नो प्रोसेस शुड हैव टू वेट फॉरएवर टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन।
सर यस If pounded weight is not satisfied, then kya hoga? Starvation. It is possible for starvation. Samajh mein aa gaya bachcho? Yes, sir. Clear hai? Dekho, aise to char condition hoti hai. Mutual exclusion, progress, bounded weight, and ek hota hai architectural nutrability. Lekin ye do condition main hoti hai. सर क्लियर है यस सर सर उतार लिया है यस सर कर दे स्टार्ट सर यस सर देखिए बच्चों दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई क्या माजरा है फिर मैं अपना आपको ही काम करना है बहुत ज्यादा काम करना है स्टार्ट हो जाना और गलती सब करोगे गुस्सा भी करोगे एक बार मेरे पे क्योंकि मैं कुछ कटवाऊंगा भी ये ध्यान रखना पहले बता देता हूँ सुनिएगा मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सिंक्रोनाइजेशन टॉपिक पहली बात तो क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को तो आप इतना सा दिमाग में रखें कि भाई 10 कंप्यूटर है और एक प्रिंटर है तो इसलिए पढ़ रहे हैं अपन इस टॉपिक को कि मीन्स कि अपन चाहते हैं कि कोऑपरेटिव प्रोसेस हो यानी एक दूसरे से इफेक्ट भी होती हो कि मैं वो यूज कर रहा तो मैं यूज ना करूं इस टाइप से ठीक है तो कहने का मतलब है अगर आप दोनों दो जने प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कोई शेयर्ड वेरिएबल को यूज कर रहे हैं कोई शेयर्ड वेरिएबल को यूज कर रहे हैं अगर दोनों को सिक्वेंशियल चलाता हूं तो मेरा करेक्ट रिजल्ट आता है अगर दोनों को कंकरेंट चलाने की परमिशन दे देता हूं यानी कैसे भी चलाए तो मेरा गलत रिजल्ट आ रहा है या तो चार आ रहा है या छह आ रहा है आर यू गेटिंग माय पॉइंट और जिस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगी उस ऑर्डर में रिजल्ट आ रहा है That is the race condition. That is the race condition. Are you getting my point? Sir. Clear hai? Kya? A situation where several process access and manipulate the same data concurrently and the output depend on order of execution. That is called race condition. Uske baad main aata hun critical section pe. Critical section kya hota hai? वो एरिया वो गली वो मोहल्ला वो पोर्शन ऑफ प्रोग्राम टेक्स्ट जहां शेयर्ड वेरिएबल या शेयर्ड रिसोर्स या शेयर्ड डेटा विल बी प्लेस ओके इन क्रिटिकल सेक्शन सेवरल प्रोसेस में एक्सिस कॉमन वेरिएबल अपडेटिंग एंड सो ऑन आर यू गेटिंग माय पॉइंट यस सर क्लियर है नेक्स्ट नॉन क्रिटिकल सेक्शन का मतलब क्या होता है द पोर्शन ऑफ प्रोग्राम टेक्स्ट where the independent code of the process will be placed independent code okay ab dekho teen char type ke section hote hain entry section critical section exit remainder entry section means jaisi process enter hogi critical section mein jayegi usse pehle entry section mein aayegi fir critical section uske baad exit section ka code chalega jo bhi hoga uske baad non critical section yani khud ka koi remainder section ab jo critical section jo synchronization mechanism provide karata hai wo teen condition honi chahiye mutual exclusion प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेट इसमें दो ही बैन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोलता है कि भाई देखो अपन एक प्रिंटर है और अपन सब जने यूज कर रहे हैं तो अगर मैं अपना प्रिंट आउट ले रहा हूं तो आप उस टाइम पे अपना प्रिंट आउट ना ले पाए क्यों नहीं तो मेरे को पहले देसी में सीखो एकदम देसी एकदम प्रैक्टिकली क्योंकि यार मेरे को फिर आपके पेज मेरे वाले में मिल जाएंगे मेरे को दिक्कत होगी समझ रहे हो बात कहने का मतलब ओनली वन प्रोसेस प्रेजेंट इन द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स वन प्रोसेस पी आई enter in the CS na then no other process is allowed clear means no two process simultaneously present in the critical section clear no two process simultaneously present in the critical section at any point of time mean to say only one process present in the critical section at any point of time yeah if process PI executing in the critical section na then no other process can be executed in CS okay second progress What progress? Progress means अगर आपने चार लैबों की फाइल का प्रिंट आउट लेना है आप एक लैब का ले चुके हो तो अगर प्रिंटर खाली है आप दूसरी बार भी दूसरी लैब के लिए प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो आपको कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए कहने का मतलब है क्रिटिकल सेक्शन खाली है और P1 जाना चाहता है तो कोई दूसरी प्रोसेस उसको रोकने वाली नहीं होनी चाहिए
समझ रहे हो? अगर कोई दूसरी रोक रही है यानी आपकी प्रोग्रेस रुक रही है, यानी नॉट बढ़ रहे हो तुम, और प्रोग्रेस हो रही है इसका मतलब बढ़ रहे हो तुम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहने का मतलब है नो प्रोसेस रनिंग आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, नो प्रोसेस रनिंग आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन शुड ब्लॉक द अदर इंटरेस्टेड प्रोसेस फ्रॉम एंटरिंग इन टू द सीएस. क्लियर है बेटा? When the CS is free, when critical section is free. Clear? Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Very good. And bounded wait का मतलब क्या है? There exists a bound or limit or number of times. Means ऐसा ना हो कि कोई process forever ही wait करती रह जाए. Means हर process का chance आना चाहिए. Clear है? अगर bounded wait satisfy नहीं होता है, इसका मतलब starvation आ गया है. क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? यस सर. यस सर. आगे बढूं? यस सर. यस सर. देखिए बच्चों क्या कह रहा हूं मैं. सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, इसके सॉल्यूशंस आए. पहला आया सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन, जिसमें क्या क्या थे? पहला लॉक वेरिएबल, दूसरा स्ट्रिक्ट अल्टरेशन, और डेकर्स एल्गोरिदम. थर्ड पीटरसन सॉल्यूशन. दूसरा आया हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन. क्लियर? हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन जैसे TSL, टेस्ट सेट लॉक, टेस्ट सेट एंड लॉक. तीसरा आया OS टाइप सॉल्यूशन. सीमाफोर. सीमाफोर. क्लियर? यस सर. एक आता है कंपाइलर टाइप सॉल्यूशन, जो अपने सिलेबस में नहीं है, डेट इज मॉनिटर्स. ठीक है, ये अपने सारी चीजें आई है, उतार लीजिए, फिर एक एक को स्टार्ट करेंगे अपन. तो TSL में क्या लिखा हुआ है? टेस्ट सेट लॉक. लॉक LOCK. हाँ लॉक. Yes, sir.
सर यस बेटा सर अगर कोई प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्व हो रही है तो हार्डवेयर के थ्रू करना मतलब जरूरी है नहीं मतलब हार्डवेयर ज्यादा इफेक्टिव रहता है कि सॉफ्टवेयर रहेगा सॉफ्टवेयर सर इस वाले प्रॉब्लम हो रहा है ना सर अभी करेंगे बेटा टेंशन ना ले यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को पहले लिख दीजिए चैट बॉक्स में यहाँ तक क्लियर है या नहीं है ईच एंड एवरी वन करूं स्टार्ट आगे यस सर यस सर यस सर अब देखिए फर्स्ट लॉक वेरिएबल क्या बेटा लॉक वेरिएबल समझना बेटा उतारना मत अभी लोड आर आई एम लॉक इसका मतलब समझ में आता है एम लॉक की वैल्यू किस में डाल देनी है आर आई में कंपेयर आर आई जीरो के बराबर है या नहीं है थर्ड स्टेप जंप ऑन नॉट जीरो टू स्टेप वन अगर मेरा लॉक वन है तो क्या करना है क्या करना है जंप टू स्टेप वन अगर जीरो नहीं है तो समझ में आ गई बात यस सर यस सर फोर्थ स्टोर एम लॉक वन स्टोर एम लॉक जीरो क्लियर जब मेरा लॉक जीरो है तो मेरा सी एस क्या है फ्री है और जब मेरा लॉक वन है तो सी एस मेरा क्या है बीजी है क्रिटिकल सेक्शन फ्री एंड क्रिटिकल सेक्शन बीजी इनिशियली लॉक जीरो है कीजिए बच्चों आप कीजिए प्लीज डू इट
बताइए बच्चों आंसर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है या नहीं हो रहा सेटिस्फाई? सर हो रहा है, हो रहा है सर, क्योंकि जब देखो मैं करा देता हूँ, इनिशियली लॉग जीरो है, इनिशियली लॉग जीरो है, मान लीजिए दो प्रोसेस है, अज्यूमिंग Assuming two processes, P1 and P2. P1 ने line number 1 चलाई, समझ रही बात बेटा? R1 में कितना आ जाएगा? Zero. हाँ या ना? Yes sir. P1 line number 2 चलाएगा, compare करेगा R1 zero के बराबर है या नहीं है. P1 line number 3 चलाएगा, अगर R1 zero के बराबर नहीं है, तो jump to not zero. But R1 जीरो है तो नॉट जंप. क्लियर है? यस सर. P1 लाइन नंबर 4 चलाएगा और लॉक को क्या कर देगा? 1 कर देगा. ये लाइनें समझ में आ रही है ना? पहले हम लॉक का वैल्यू R1 में डाल दिया, जो भी रेस्पेक्टिव रजिस्टर है, जो भी प्रोसेस PI यूज करेगा, कंपेयर किया उस रजिस्टर को, फिर जंप करा दिया. अगर जीरो नहीं, नॉट जीरो है, तो उसके बाद उस लॉक में क्या डाल दिया? 1 डाल दिया. एंड जैसे P1 ने लाइन नंबर 5 चलाई, P1 इन CS. समझ में आया बच्चों? यस सर. क्लियर है? और जैसे P1 CS में है, P2 लाइन नंबर 1 चलाएगा और चेक क्या आएगा R2 में? 1. P2 लाइन नंबर चेक करेगा, P2 जैसे लाइन नंबर 3 चलाएगा, जंप टू स्टेप 1, जंप टू स्टेप 1, स्टेप 1. क्लियर एवरीवन? यस सर. यस सर. उतार लीजिए, उतार लीजिए. सर ये सेकंड स्टेप में क्या होगा सर? हाँ बताओ क्या कह रहे बेटा? सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है सर? कंपेयर करा जा रहा है, ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का सिंबल है कि वो रजिस्टर का वैल्यू जीरो है क्या. ओके सर. समझ गए? यस सर. प्लीज. सर अगर लॉक एक बार ऑक्यूपाइड रहा तो इस टाइप से तो बार बार उसी के अंदर 3 स्टेप में जगल अप करता रहेगा और कभी भी उसके बाहर नहीं निकलेगा फिर. बेटा कैसे नहीं निकलेगा? जैसे ये बाहर आ रहा है एग्जिट सेक्शन में, जब लॉक का वैल्यू जीरो कर रहा है ना, ये अपना ये तो मुद्दा था ही नहीं. अपना तो ये कि क्या दोनों प्रोसेस एट ए टाइम CS में आ पा रही है. समझ रहे हो बच्चे? जिसने भी ये मेरे से पूछा, इधर देखो, जैसे आउट हो रहा है तो ये CS के आउट होने के बाद आपको जीरो कर रहा है ना इधर. क्लियर है? नहीं सर, यहाँ पे नहीं. ये जो P2 है इसमें वैल्यू 1 आ गई. अब जैसे ही वो थर्ड स्टेप पे पहुंचा, वो वापस स्टेप 1 में चला जाएगा. फिर से थर्ड में पहुंचेगा, वापस स्टेप 1 में चला जाएगा. हाँ तो रोक दिया ना अपन ने, बिजी वेटिंग. सर फिर वो एंड कैसे होगा? जब बाहर निकलेगा कोई प्रोसेस तो वो उसको वैल्यू क्या मिल जाएगा? जीरो. फिर वो एंड हो जाएगा, आ जाएगा अंदर. आई बात समझ में? यानी आई सर. आ गई सर, आ गई. क्लियर है? देखा क्या सीरीज देखते हुए? यस सर. देखा है क्या? क्लियर बच्चों? यस सर. आगे बढ़े. यस सर. देखिए बच्चों, कहने का मतलब है, क्या ये सही है?
पहले तो ये बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। क्या ये सही, ये क्या ये सही है? सर एक चीज गलत है सर। क्या बताओ? आपने स्कोर में पूछा ना तो गलत ही होगा। डाउट हो गया सर। सर बाउंडेड बेट। अरे म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में बात कर रहा हूँ ओनली। यस सर वो तो सही है। सही है? यस सर। इसको ऐसा करो काट दो। क्यों? अब चेक करो कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं एक सेकंड ये गेट ओपन कर देता हूँ, एक सेकंड में आप चेक करें। यानी दो प्रोसेस आ रही है क्रिटिकल सेक्शन में। अब देखो कैसे आ रही है। ये आपको टास्क दिया मैंने। यस सर। सर सर गेट खुलने गए हैं। अच्छा अभी? हाँ बोलो बोलो बोलो। सर सपोज करिए कोई पहला वाला सेकंड वाले पे है, जो पहली प्रोसेस है वो सेकंड, सॉरी जो दूसरी प्रोसेस है वो सेकंड वाले पे, जो तीसरी प्रोसेस है वो थर्ड वाले पे ही है। तो लाइक वो दोनों प्रोसेस निकल जाएंगी और उसके बाद वो स्टोर कराएगा वन, कंपेयर ही नहीं करा पाएगा। तूने एक गलती की बाकी सब चीज सही करी, पता क्या? कंपैरिजन एक बार। नहीं नहीं नहीं, अरे ना दादा ना, तूने ये जो दूसरा और तीसरा बोला ना उसकी जगह, अरे अरे फिर गलत कर गया। उसकी जगह पहला और दूसरा बोलना चाहिए था, समझ रहा है? रुक जा मैं समझाता हूँ बेटा। सुने बेटा, हर बच्चों को ये कोड क्लियर है? चलाते कैसे वो कोड क्लियर है क्या? Yes sir. Each and everyone, please tell me. Yes sir. Yes sir. पहले तो उसमें जीरो ही था, तो वो जीरो ले लेंगी कितनी सारी प्रोसेस तो। Wait. ये मैं कहना चाहता हूँ क्या? सुनो, अभी अपन ने क्या किया पता है आपको? कि साहब आप चल जाओ, फिर मैं देखूंगा कि मैं जा पा रहा हूँ या नहीं जा पा रहा। लेकिन जब आपको ये पता है कि यार कंकरेंट में कोई टेंशन नहीं है, कोई कभी भी चल सकता है, समझ रहे हो? यानी मान लीजिए दो प्रोसेस है, दो क्या मैं तीन चार भी ले सकता हूँ, लेकिन वो जान के नहीं ले रहा क्योंकि बच्चा रटने लग जाता है कि दो के लिए फेल हो रहा है, तीन के लिए अलाउ हो रहा है। अरे म्यूचुअल एक्सक्लूजन फेल होना होता चाहे वो कितनी भी प्रोसेस हो। देखो इसमें, इस कोड में लूप होल क्या है पता आपको? इस कोड में लूप होल है कि जैसे आपके कॉलेज खुले, मान लीजिए पुराने दिन याद करो, कॉलेज का टाइमिंग 9 बजे का है, मान लीजिए कितने बजे का? 9 बजे। 9 बजे का मान लीजिए, अरे मान लो 9 बजे का है, तो 9 बजे तक आपका कॉलेज का गेट ओपन है, ठीक है?
यानी 9 बजे तक आपके कॉलेज का कोई सा भी बच्चा आ सकता है और किसी भी कॉलेज का आ सकता है, कोई आई कार्ड वाई कार्ड चेकिंग नहीं है, गेट खुले हैं सारे, समझ रहे हो। 9 बजे कॉलेज के गेट बंद हो गए, उसके बाद आपका आई कार्ड चेक वेक कर करा के अंदर फोन करके कि इसको भेजे ना भेजे, समझ रहे हो, तो बात हो रही है। इधर भी वही खेल हो रहा है, क्या खेल हो रहा है, इधर देखो कि जो लॉक 1 हो रहा है ना वो लाइन नंबर 4 पे हो रहा है, लाइन नंबर 3 तक तो आप कितनी भी प्रोसेस अंदर ला सकते हो, हाँ या ना। सबको लॉक कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। जैसे P1 आया, देखो यही तो चालाकी है इसमें, P1 आया लाइन नंबर 1 चलाएगा, उसको R1 में कितना मिल जाएगा, 0। P2 आएगा लाइन नंबर 1 चलाएगा, R2 में कितना मिल जाएगा, 0, हाँ या ना। यस सर, यस सर, क्लियर है। यस सर, अब देखो P1 लाइन नंबर 2 चलेगा, सेकंड कंपेयर करेगा, P1 लाइन नंबर 3 चलेगा और नॉट जंप, हाँ या ना। यस सर, P2 भी लाइन नंबर 2 चलेगा, 3 चलेगा, नॉट जंप, क्लियर है। यस सर, यस सर। P1 लाइन नंबर 4 चलेगा और लॉक को क्या कर देगा, 1। P2 लाइन नंबर 4 चलेगा और लॉक को क्या कर देगा, 1। समझ में आ गई बात। यस सर, यस सर। P1 लाइन नंबर 5 चलेगा, P1 इन CS, क्लियर। यस सर। P2 लाइन नंबर 5 चलेगा, P2 इन CS, और आप P2 P1 P2 क्या n नंबर ऑफ प्रोसेस को भी ला सकते हो, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन फेल, फेल्ड इन कंकरेंट प्रोसेस। कंकरेंट ही चलाना बेटा अपन को, कंकरेंट का मतलब होता है फुल परमिशन, सीरियल चलाए चाहे कंकरेंट चलाए, कैसे भी चले वो। आ गई बात समझ में। यस सर, सर सभी बच्चों को क्लियर है, क्लियर है सर। यस सर, उतार लीजिए जल्दी से। समझ में आ गया है वाला कोड? यस सर। और एक बच्ची जो पूछ रही थी ना उसका आंसर मैं देता हूं, अभी रुक जाना, चाबी मत उतारना, सुनिए एक बार। जो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है ना, क्या बेटा, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, उनके जो सॉल्यूशन होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं बेटा। एक तो विद बिजी वेटिंग, सुना है नाम, ये पहली बार सुन रहे हो? फर्स्ट टाइम सुन रहे, पहली बार सर। एक विदाउट बिजी वेटिंग, एक तो विद बिजी वेटिंग और एक विदाउट बिजी वेटिंग। विद बिजी वेटिंग का मतलब होता है फॉलिंग इनफाइनाइट लूप, क्या बच्चों, इनफाइनाइट लूप या डू नथिंग में लिखता हूं मैं अपने कोड में, डू नथिंग लिखूंगा, इनफाइनाइट लूप मींस कंटिन्यूअसली इज वेटिंग, समझ रहे हो बेटा। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये लिखते हो ना, व्हाइल कोई कंडीशन लगाते हो और यहां लगा देते हो ये टर्मिनेट वाली कंडीशन, तो क्या होता है, ये इनफाइनाइट लूप ही तो होता है। यस सर, यस या नो? यस सर। तो ये जो आपका लॉक वेरिएबल है जो मैं आपको समझा रहा हूं, पहला कौन, लॉक वेरिएबल, ये भी आपको पता है क्या है, बिजी वेटिंग सॉल्यूशन है, क्या है, विद बिजी वेटिंग सॉल्यूशन। बिजी वेटिंग सॉल्यूशन लाइक आप देख रहे हो बेटा कि जंप टू स्टेप 1, ये इनफाइनाइट लूप में इधर अटका रहेगा, समझ रहे हो। यस सर। और इट इज ए सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म
विच इज इम्प्लीमेंटेड इन द यूजर मोड. इम्प्लीमेंट इन दी यूजर मोड. यूजर मोड समझ रहे हो. और इट कैन बी यूज फॉर मोर देन टू प्रोसेस. थोड़ा फील आ रहा भाई? यस सर. बिजी वेटिंग का मतलब ये कंटिन्यूसली लूप में जाना. अगला वाला भी कराऊंगा, टेंशन ही मत लेना. उतार लीजिए जल्दी से. ये लेना फिर इसको थोड़ा ना अपन यूज करते होंगे. नहीं अपन तो सीमा फोर चलेंगे आगे. तो नहीं मतलब ये अभी करेंटली यूज नहीं होता ना. नहीं मतलब सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहे. हाँ इनके कोड आते हैं सूडो कोड. कभी ये कोड नहीं पूछे जाते. यानी अपन को इनको चलाना सीखना. जितना चलाना सीखोगे उतनी एक्सपर्टीज आएगी. ओके इन टाइप के सूडो कोड दे देता सी लैंग्वेज के या वाइल लूप ऐसे लगा के. सर वो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म वाला लिखना. पहले ये वाला लिख लिया? हाँ सर ये तो लिख लिया. थोड़ा कोड नहीं उठा रहा दूसरा वाला. जी बेटा एक बार. क्लियर? यस सर. अब देखो अपन को चेक करना है क्या. ये तो मैंने अभी तक म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करा है. अब आपको क्या चेक करना है बेटा? प्रोग्रेस. क्या चेक करना है? प्रोग्रेस. वो कैसे करेंगे देखिए बच्चों. मैंने आपको क्या बताया, कभी भी प्रोग्रेस चेक करना है ना तो आपको एक चीज करनी है, उसी कोड को दोबारा चला के देख लो क्या आप दोबारा जा पा रहे हो. क्या आप दोबारा जा पा रहे हो क्या? समझ में आ रही है बात? अरे हाँ या ना? यस सर. क्लियर? देखो कैसे. P1 ने लाइन नंबर 1 चलाई. P1 ने लाइन नंबर 1 चलाई. R1 में क्या मिला? 0. P1 ने लाइन नंबर 2 चलाई. थर्ड चलाई नॉट जंप. हाँ या ना? चेकिंग फॉर प्रोग्रेस. जब भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करना है ना, जो आज सुबह बता रहा था मैं, दो को चलाएंगे कंकरेंट और चेक करेंगे क्या दोनों क्रिटिकल सेक्शन में आ पा रहे हैं क्या. दोनों क्रिटिकल सेक्शन में आ पा रहे हैं क्या. और जब भी प्रोग्रेस चेक करनी हुई तो क्या करेंगे, एक को चलाएंगे और उसको दोबारा चला के देखेंगे क्या वो आ पा रहा है क्या. लॉक वन. हाँ या ना? P1 ने लाइन नंबर 5 चलाई. P1 इन CS. CS में आ गया P1. जैसे लाइन नंबर 6 चलाएगा आउट ऑफ द CS, लॉक कितना हो जाएगा? 0. दोबारा चलेगा P1. P1 दोबारा चल रहा है. लाइन नंबर 1 R1 में क्या मिलेगा? 0. लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 नॉट जंप. क्लियर? यस सर. P1 लाइन नंबर 4 लॉक को क्या कर देगा? 1. P1 लाइन नंबर 5 P1 अगेन इन CS. मीन टू से प्रोग्रेस सेटिस्फाई. माय डियर लवली स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर.
क्लियर है? यस सर। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप समझ के आना, बाकी मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है? और कल की क्लास, कल की क्लास बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये वाली, ठीक है? उसका रीजन भी है। कल से सीमा फोर स्टार्ट होगा। सीमा फोर नहीं, काफी क्वेश्चंस भी होंगे गेट के, तो खूब क्वेश्चंस भर भर के, काफी सारी चीजें हैं उसमें। वो सर एक कोई सी टेबल होती है, पता नहीं, वो मैंने जब पहली बार पढ़ा था ना, तो मुझे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैंने उसको छोड़ ही दिया था। अब कर लेना बेटा, क्लियर है तक? आपको टेलीग्राम पे भेजा सर, उसको एक सेकंड बस देख के यस और नो बोल लीजिए, मतलब कर सकते कि नहीं कर सकते, मतलब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सही आंसर भी आया। देखता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं देखता हूं, लेकिन मैं अभी रिप्लाई लेट कर पाऊंगा, 6 बजे का, हां मैं कर दूंगा रिप्लाई, या नहीं तो कल सुबह डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, कोई डाउट सर? कोई डाउट किसी को? नो सर, नो डाउट, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।